बस कल से चुनाव प्रचार शुरू है। आज 19 कैंडिडेट जननायक जनता पार्टी के और एक कैंडिडेट जिसका फॉर्म भी इनकम्प्लीट था उसका एज इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन है, और मैं मानता हूँ बड़ी मजबूती के साथ सभी साथी चुनाव लड़ रहे हैं। और परसों से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के और सभी नेताओं के कार्यक्रम राजस्थान में शुरू हो जाएंगे, और जो गति है प्रचार की उसको देखेंगे। और मेरा तो आज भी मानना है कि जो बात डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कही थी सीकर की रैली में कि चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा, वो चाबी राजस्थान विधानसभा का ताला खोलेगा। सर, इस तरह की बातें की गई कि हरियाणा छोड़ के राजस्थान की तरफ बीजेपी चौधरी देवीलाल जी कभी हरियाणा राजस्थान में भेदभाव रखते थे? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो खुद दो बार वहाँ से विधायक बने, और जिन लोगों की ये सोच है, ये कहते हैं कि वहाँ छोड़ के चले गए, वो शायद खुद एक नया कदम रखने से डरते हैं। हमारे लिए तो शुरुआत है, 4 साल में पार्टी संगठन को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की गाइडेंस में 5 साल में हम इस मुकाम पर ले आए, और राजस्थान के अंदर भी पहला चुनाव पार्टी लड़ रही है, और पहले चुनाव में मैं मानता हूँ कि हमारे अच्छी मात्रा में विधायक चुनकर आए। मैं मानता हूँ कि आज के दिन जो स्थिति है उसके अंदर की फैक्टर जो रीजनल दल है, जो इंडिपेंडेंट्स है, वो प्ले करेंगे, और आने वाले भविष्य में राजस्थान विधानसभा के अंदर जो किसान वर्ग है उसकी ताकत बड़ी मात्रा में। आप खुद कितने दिन अब राजस्थान में रहने वाले हैं? मैं तो स्वयं 5 से 6 दिन आने वाले भविष्य में राजस्थान प्रचार में पार्टी जैसे आदेश देंगे। मैं मानता हूँ 4 साल के अंदर, 4 साल पहले दीपावली के ही अवसर पर हरियाणा प्रदेश में एक स्टेबल स्थिर सरकार को बनाया, और इस अलायंस ने 4 साल में हर सेक्टर में स्टेट को प्रगति के पथ पर चढ़ाया है। आज के दिन चाहे और स्टेट्स के मुकाबले में टैक्स कलेक्शन हो, और स्टेट्स के मुकाबले में हमारे यहाँ इंडस्ट्री का आना हो, रोज़गार के अवसर पैदा करने हो, इनोवेशन हो, स्टार्टअप्स हो, चाहे एविएशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, हर प्रकार में हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक रहा है जिसने एक मॉडल के तौर पर देश की उन्नति में अपनी हिस्सेदारी दी है। और मैं मानता हूँ ये हिस्सेदारी आगे वाले समय में हमारे प्रदेश को और तरक्की के साथ आगे ले जाएगी।